दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। भारत में चुनावी सीजन चल रहा है, चार चरणों के मतदान हो चुके हैं और पांचवें चरण का मतदान होने में महज कुछ दिन बचे हुए हैं। इस बीच हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। यहां तक नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की सरकार सारी सरकारी कंपनियों को बेचने पर आमादा है। इसके साथ साथ एक जो बड़ा बवाल हो रहा है वह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वहां के हजारों लोग सड़कों पर हैं और वह पाकिस्तान से आजादी चाह रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने आज तक जो बोया था वह उसी की फसल काट रहा है। मैं हूं व्यालोक और इस पूरे मसले पर मैं बात करूंगा अमित सिंह जी से। वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेष जानकार हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद व्यालोक जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जिस तरह से बवाल हो रहे हैं और पाकिस्तान इसका आरोप रॉ पर, यानी हमारी जो खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस पर लगा रहा है। इधर हमारे गृह मंत्री कह दे रहे हैं कि पीओके तो हमारा ही है, वह लगातार कह रहे हैं। विदेश मंत्री भी कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिनसे रहस्य गहरा रहा है। क्या चल रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में? देखिए, क्योंकि भारत में आम चुनाव चल रहे हैं, 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनावों में कई तरह के मुद्दे जनता के सामने परोसे जाते हैं। और पिछले कई सालों से जब भी भारत का चुनाव हुआ है तो पाकिस्तान भी एक मुद्दा होता है, क्योंकि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद लगातार पिछले कई सालों से भारत में फैलाया जाता रहा। और जिस तरीके से मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में ना सिर्फ पाकिस्तान पर लगाम लगाई, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को अलग थलग किया, यहाँ तक कि आतंकवादियों के भी छक्के छुड़ा दिए, तो कहीं ना कहीं एक चेंज हुआ है भारत की पाकिस्तान को लेकर नीति में। और कई बार ये कहा जाता था कि कश्मीर एक मुख्य मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का। वैसे विवादों के कई सारे मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन कश्मीर एक अहम मुद्दा है। और 2019 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने जो कश्मीर की तथा कथित स्वायत्तता थी, जिसके माध्यम से कश्मीर पूरे भारत से अलग थलग ही रहता था, एक स्पेशल स्टेटस था, उसको आर्टिकल 370 को जिस तरीके से एब्रोगेट किया गया और कोशिश की गई कि कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट किया जा सके। और पिछले 5 सालों में कश्मीर की आवाम ने भी देखा है कि धारा 370 के डाइल्यूट होते ही जिस तरीके से विकास की बयार बही है जम्मू एंड कश्मीर में, आज पर्यटन के जो नंबर्स हैं वो उन्होंने काफी पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया है। अच्छे खासे टूरिस्ट जा रहे हैं, वहाँ विकास हो रहा है, लोग फल फूल रहे हैं, पत्थरबाजी अलगाववाद खत्म हो गया है। और जो छिटपुट घटनाएं भी अभी कश्मीर में होती है उसके पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन ही है, लेकिन भारतीय सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जो हमारी फोर्सेस है उसका माकूल जवाब भी दे रही है। तो ये जो विकास की बयार बही है कश्मीर में, उससे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी वो विकास नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि हमारे रिश्तेदार जो कश्मीर में है वो फल फूल रहे हैं, तो उनको भी अब ऐसा लगता है कि हमें इस विकास का हिस्सा बनना चाहिए। पाकिस्तान एक कंगाल मुल्क है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को पिछले कई सालों में पाकिस्तान ने बर्बाद कर दिया है, अब लोग उनसे मुक्ति पा लेना चाहते हैं। इसी वजह से आए दिन वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है और उसी प्रोटेस्ट में वो चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान से मुक्ति मिले। पाकिस्तान हालांकि अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर का नाम देता है, लेकिन वहां की जो दुर्दशा है और वहां
के जो हालात हैं वे हम सब जानते हैं। आपने कहा ही कि वे लोग अब जब भारतीय हिस्से वाले कश्मीर को देखते हैं, हालांकि भारत की संसद से ये प्रस्ताव पारित है, भारत के हरेक सरकार इसके लिए बाध्य है कि हम पूरा का पूरा कश्मीर अपना मानते हैं और वह है भी, और हम उसे वापस लेने को इस देश की संसद ने प्रस्ताव भी पारित किया हुआ है सर्वसहमति से। लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के आरोप लगा रहा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार होने की वजह से आपसे ये सवाल करूंगा, जिस तरह के आरोप पाकिस्तान लगा रहा है और जिस तरह से कभी कनाडा ने आरोप लगाए, फिर यहाँ तक कि अमेरिका ने भी भारत की तरफ उंगली उठाई है कि भारत की खुफिया एजेंसियां सक्रिय हैं, ऐसे में आप कैसे देखते हैं? यह भारत के लिए खुशी की बात है कि लोग उसकी खुफिया एजेंसी को भी अब इस लायक मानने लगे हैं, या यह भारत के लिए तनाव और चिंता का कारण है? देखिए, तनाव और चिंता का कारण तो नहीं है ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मुल्क की खुफिया एजेंसियां हैं और वो खुफिया एजेंसियां सिर्फ खुफिया रखने के लिए नहीं है, कुछ काम करने के लिए है, और वो हर देश की खुफिया एजेंसियां अपने देश के राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए काम करती है। तो ऐसे में भारत की भी खुफिया एजेंसी उसी काम में दिन रात लगी हुई है, और आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते ही रहते हैं, लेकिन जो इस बार विकास की बयार पूरे भारत में भई है, मुख्यतः जम्मू एंड कश्मीर में भई है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो मुझे लगता है पाकिस्तान उससे तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि अब अवैध कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो लोग नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ रहना। यहाँ तक कि पाकिस्तान के आम आवाम जो इस्लामाबाद में भी रहती है वो भी मोदी की तारीफ कर रही है। बलूचिस्तान की कहानियां तो हम सब लोगों ने सुनी है कि किस तरीके से बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार चीन ने भी पाकिस्तान में अपने कदम फैलाए हैं उससे भी पाकिस्तान के लोग नाराज हैं, और आज पाकिस्तान कर्जे में डूबता जा रहा है। उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके पास अच्छा पानी पीने के लिए संसाधन नहीं है, और ऐसे में लोग अब विकास चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और ऐसे में पूरे भारत में जब विकास की बयार बह रही है तो वो उससे जैलस भी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन करते हैं कि हमारी सरकार को भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तानी सरकार फेल साबित हुई है। अभी एक बहुत अच्छा समय है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अलग थलग पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में कॉलिशन गवर्नमेंट है जो बहुत कमजोर गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो भी सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, भारत में एक मजबूत सरकार है, और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी एक मजबूत सरकार आएगी, और अगर वही मजबूत सरकार आती है तो मुझे लगता है कि जल्दी ही पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान को भी भारत में मिलाया जाएगा, क्योंकि 370 को हटाने का जो पूरा मुद्दा था वो पहली कड़ी थी कश्मीर को भारत में इंटीग्रेट करने की, दूसरी कड़ी है पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में समाहित कर लेने की। तो दूसरा चरण मुझे लगता है इस बार शुरू हो चुका है, इसलिए चाहे वो राजनाथ सिंह हो या फिर हमारे अमित शाह हैं या एस जयशंकर जितने भी बड़े नेता हैं, वो खुले मंच से ये बात बोल रहे हैं कि यस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिलाना ही बहुत अहम है, क्योंकि इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस भी है, और ऐसा करके हम चाइना को भी माकूल जवाब दे सकते हैं इस पूरे के पूरे क्षेत्र में। एक आखिरी सवाल, चीन का आपने जिक्र किया, संक्षेप में जवाब चाहूंगा कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो परियोजनाएं भी चल रही हैं जिसमें चीन ने बहुत ही बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है, चीन से कैसे निपटेंगे? और अक्साई चीन का जो इलाका है वो एक चीन का अलग मोर्चा खुल जाएगा, तो क्या भारत इस स्थिति के लिए तैयार है? मुझे लगता है कि भारतीय सरकार कहीं ना कहीं क्रमबद्ध तरीके से इस विषय पर काम करेगी, क्योंकि कई बार आपने भी बताया कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो चुका है, सर्वसम्मति से पास हुआ है,
जिसमें अक्षय चिन को भी भारत का हिस्सा बताया गया है और उसको वापस लिया जाएगा। पीओ के की भी बात है, खसकाम वैली की भी बात है, तो ये सारे हिस्से भारत के का अभिन्न हिस्सा है, इंडियन टेरिटरी है, इंडियन सॉवरेनिटी की बात आती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोशिश होगी। लेकिन ये बात है कि सीपैक के माध्यम से चाइना ने अच्छा खासा पैसा वहाँ इन्वेस्ट किया है और भारत ने हमेशा से ही इसका विरोध किया है, क्योंकि ये भारतीय जमीन पर किया जा रहा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत ने विरोध किया है, आने वाले दिनों में देखते हैं किस प्रकार से चीजें आएंगी। चीन तो विरोध करेगा ही, लेकिन भारत के पास एक अपर हैंड है, क्योंकि आम जनमानस पीओके का चाहता है भारत में मिलना और भारत के विकास के साथ कदम से कदम मिलाना, ऐसे में चाइना कुछ खास नहीं कर पाएगा जी। और अगर ये सब कुछ इसी तरह जारी रहा तो शायद हम लोग निकट भविष्य में कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी भी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे विस्तार से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिस इज एन ABP लाइव पॉडकास्ट।